दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मिस्टर खलीलुर रहमान। तो आज आप सभी के बीच में एक यहाँ की सपोर्ट की बारे में वीडियो होगा, जिससे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ एप्लीकेशन के अंदर एक सपोर्टिंग का ऑप्शन है, उसमें जाके आप लोग कैसे अपने जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे आसानी के साथ बातचीत कर सकता है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, ये लाइफ स्टाइल चेंज इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके फोन पे चला जाएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करिए। तो पहले आपको यहाँ को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को लेफ्ट साइड में अपने फोन में 3 डॉट की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगी तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, जो लॉग आउट से पहले आपको हेल्प की ऑप्शन मिलेगी। तो आपको इसमें हेल्प में आपको टच करना पड़ेगी। जैसे ही आप हेल्प में टच करोगी, क्लिक करोगी, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी हेल्पलाइन की। तो आपको यहाँ पे मैंने पहले चैट किया था तो कंटिन्यू मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले क्या नया तरीके से इसका जो भी हेल्पलाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हेलो एंड वेलकम टू यहा चैट, आई एम देयर चैट बॉट कैन असिस्ट यू। तो इसके बाद आपको एस करना है, एस करने के बाद एस प्लीज। तो इसके बाद क्या हो रहा है जे आपकी जो भी प्रॉब्लम की क्वायरी है, तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे 4 किस्म की क्वायरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एन अकाउंट क्वायरी, आपके अकाउंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अकाउंट के रिलेटेड कोई भी आपको यहाँ पे सही करना है तो आपको सीधा आपको करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर की आई हैव एन अकाउंट क्वायरी। उसके बाद आई हैव एड रिलेटेड क्वायरी, आपको एड की रिलेटेड बारे में कोई भी क्वायरी है तो आपको नंबर दूसरा जो भी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आई हैव ए पेमेंट रिलेटेड क्वायरी, आपको पेमेंट रिलेटेड क्वायरी तो अभी तो नहीं होगा, फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी बंदा ने अभी तक KYC कर लिया है, उन्होंने स्किप कर दिया है तो यहाँ पे उसका पेमेंट ऑप्शन अभी भी मांग रहा है, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ आई हैव ए आधार क्वायरी, आपकी इसके भी अलग है, इन 3 ऑप्शन से भी अलग आपकी क्वायरी है तो आप यहाँ पे भी कर सकता है। तो जैसे मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पे अकाउंट क्वायरी तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आप लोग देख सकता है, क्या है, हाउ डू साइन अप, कैन रजिस्टर, आई वांट टू चेंज माय इंफॉर्मेशन, आई ओनली हैव वन नेम, आई हैव ए पासवर्ड इशू। तो आप लोग देख सकता है जो कितना यहाँ पे इशू आप लोगों के बीच में उन्होंने सॉल्व कर रहा है। नंबर 5 यहाँ पे इशू है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को इशू होता है या यहाँ पे पासवर्ड रिलेटेड इशू है, तो आप इसी ऑप्शन में जाके अपने जो भी चीज़ है वो सुधार सकता है। आई हैव ए ये वन नेम, मतलब किसी का सिंगल नाम का दिक्कत है तो ये भी आपने वहाँ पे जाके बातचीत करके पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा सा बैक करना चाहता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो वो जो चीज़ है, तो बाद में जो भी ऑप्शन है तो किस तरीके से हम लोगों का पता चले। तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोग अपने हिसाब से लॉगिन करने के बाद वहाँ से जाके डायरेक्टली आप यहाँ से सपोर्ट से पूछ सकता है। तो क्या होगा जो आप सभी के लिए आसान हो जाएगी जो हमें कहाँ पे गलती हुआ है और हमें किस तरीके से इस गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि सभी को मेल करना नहीं आता तो बहुत सारे लोग दिक्कत में पड़ जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों का, मैं एक बार कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि पहले इसको चैट किया है, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू करेगी तो वही सेम चीज़ आपके पास आ जाएगी। फिर आप क्या करेगी, दोबारा हेल्पलाइन में जाओगी तो आपको नहीं मिलेगी, आपको एक बार डैशबोर्ड में कम से कम क्लिक करना पड़ेगी, फिर आपको जाके हेल्पलाइन में आप क्लिक करोगी तो आपको इस बार जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगी। तो आपको स्टार्ट चैट करना है, स्टार्ट करोगी तो आपके पास फिर नया तरीके से जो भी है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार आपको क्या करना होगा, आपको हो सकता है अलग क्वायरी है, आदर्श क्वायरी है, तो आपको जो भी क्वायरी है आप वहाँ पर जाके सेलेक्ट कर सकता है।
तो और आपको एक बीच आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी को इंग्लिश नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप देखिए सिलेक्टेड लैंग्वेज में आप अपने लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकता है, चाहे तो बंगाली हिंदी जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकता है। देखिए इस बार मैं देख रहा हूँ जो है अभी आधार क्वायरी, तो मैंने जैसे ही आधार क्वायरी डाला तो आधार क्वायरी में भी 5 ऑप्शन है। आई हैव रिसीव वालमाई स्पॉन्सरशिप एड, इसमें क्या होता है जिसको भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है पूरा वो यहाँ पे जाके बातचीत कर सकता है। आई क्लिकेट इसकी वेरिफिकेशन बाय एक्सीडेंट बट आई ऑलरेडी वेरीफाई, यहाँ पे जैसे ही बता रहे हैं जो किसी भी बंदा ऐसा भी कर दिया है जे हमने इस वेरिफिकेशन है लेकिन स्किप कर दिया है तो उसका भी इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आई रजिस्टर फॉर फ्री बट पेड वेरिफिकेशन आफ्टर वार, यहाँ पे आपने फ्री पे रजिस्ट्रेशन किया है आप पेड करना चाहता है उसका भी इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आई वेट टू ए रेफर ए यूज़र, हम लोग रेफर भी कर सकता है ये भी दिया गया है। आई वेट टू डिलीट माई अकाउंट, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप हो सकता है यहाँ में आपको 2 अकाउंट ओपन हो गया लेकिन आप एक ही अकाउंट को चलाना चाहता है, एक बंदा की एक ही अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट अकाउंट है इसमें आप डिलीट कर सकता है। आई वेंट टू डिलीट माई अकाउंट, तो ये भी अच्छा चीज़ है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप हेल्पलाइन से बात करने की कोशिश करें, यार आप लोगों का किसी का भी कोई सवाल है, किसी का कोई यहाँ पे मिस्टेक है तो इसी तरीके से आप लोग पूरा कर लीजिए। ओके थैंक्स, गुड बाय एवरीवन।